नमस्कार, मैं चित्रा यादव, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। भारतीय परंपरागत वस्त्रों एवं परिधानों की श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है जम्मू व कश्मीर के परंपरागत वस्त्र एवं परिधान। सेकेंड ईयर के विषय थ्योरी ऑफ फैशन की यूनिट थर्ड का यह लास्ट टॉपिक है, जिसमें मैं जम्मू व कश्मीर के पारंपरिक वस्त्रों एवं परिधानों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। कश्मीर अपने अनोखे सौंदर्य के कारण धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार इतने ही सुंदर यहाँ के पारंपरिक वस्त्र हैं, जो कि परंपरागत रूप से हैंड वोवन होते हैं। जम्मू व कश्मीर के परंपरागत वस्त्र इस प्रकार हैं: शातोश या शाहतूश शॉल, पश्मीना शॉल, कनी शॉल, कश्मीरी कशीदाकारी, कश्मीरी कारपेट आदि। कश्मीर के शाहतोश या शाहतूश शॉल बहुत ही गर्माहट प्रदान करने वाले अत्यंत सॉफ्ट व महंगे शॉल होते हैं। यह यहाँ की पहाड़ी कश्मीरी बकरी तिब्बतन एंटीलॉप के बालों से बनाए जाते हैं। यह बकरी अत्यंत ऊंचाई पर पाई जाती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, अतः इसके रेशे भी बहुत फाइन, सॉफ्ट व लंबे होते हैं। इसके गले के बालों से प्राप्त रेशों से अत्यंत सॉफ्ट शॉल बुना जाता है। यह शॉल इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे अंगूठी में से निकाला जा सकता है, अतः इन्हें रिंग शॉल भी कहते हैं। पश्मीना शॉल कश्मीर के परंपरागत शॉल हैं। ये पश्मीना बकरी से प्राप्त कोमल बालों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बालों को पशम भी कहते हैं और इनकी वीविंग प्राय 12 टेपेस्ट्री वीविंग होती है, जिसे डायमंड वीविंग कहा जाता है। और इनमें बुनाई द्वारा पेस्टले पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जो कि कैरी के बूटे के समान होते हैं। ये शॉल शातू शॉल से कम महंगे होते हैं। कश्मीर के शातूश व पश्मीना शॉल की तरह ही कनी शॉल भी काफ़ी फेमस शॉल्स हैं। इन्हें टेपेस्ट्री टेक्निक द्वारा बुना जाता है। इन्हें बनाने में विभिन्न रंगों की कई शटल्स, जिन्हें कनी कहते हैं, का प्रयोग होता है, अतः इन्हें कनी शॉल कहते हैं। कनी शॉल्स में भी फूल पत्तियों व पेस्टले पैटर्न्स बने होते हैं। कश्मीर के वीविंग किए हुए हैंडलूम के शॉल जितने फेमस है, उतने ही कश्मीरी कशीदाकारी के शॉल भी फेमस है। कश्मीर की कढ़ाई को कशीदाकारी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कशीदा काटने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को ही सजीव कर देते हैं। नमूनों का उनके पास अभाव नहीं रहता है। प्राकृतिक चित्रण में वे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि प्रकृति से भी आगे बढ़ जाते हैं। कशीदे के लिए रंग बिरंगे ऊनी व सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है। इन नमूनों में फूल फलों के गुच्छे, चिनार की पत्तियाँ, रंग बिरंगी चिड़ियाँ आदि के नमूनों का बाहुल्य रहता है। कश्मीरी शॉलों के सौंदर्य का कारण इनकी सुंदर रंग संयोजना रहती है। कश्मीर के कशीदाकारी में मुख्य रूप से निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अमली, यह कश्मीर के शॉल में डार्निंग स्टिच से बनाई जाती है तथा रंग बिरंगे धागों का प्रयोग किया जाता है। गहरे रंग के धागों से आउटलाइन बनाई जाती है। सूजनी, इसमें बहुत ही बारीक टांकों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि टांके दोनों ओर समान रहते हैं। झलक डोजी, इसमें चैन स्टिच द्वारा कशीदाकारी की जाती है, जो कि हुक से होती है। चैन स्टिच से बने फूल पत्तियों से पूरा शॉल भरा हुआ रहता है। वाटा चिकन, इसमें कशीदे के लिए बटन होल स्टिच का प्रयोग किया जाता है। दो रुखा शॉल में इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये रिवर्सिबल होते हैं, विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। इनमें प्राय डार्निंग स्टिच व साटन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। अक्सी में दोरुखा के समान ही टेक्निक का प्रयोग होता है। इसमें डिजाइन को शॉल की सतह पर छपा हुआ सा बनाते हैं। यह डिजाइन का मिरर रिफ्लेक्शन होता है, अतः इसे अक्सी कहते हैं। कशीदाकारी में शॉल के अतिरिक्त सलवार कुर्ते, फिरन, टिकोजी, मेचपोश, रुमाल, जैकेट, कोट आदि बनाए जाते हैं।
कश्मीरी टेक्सटाइल्स में कश्मीरी कारपेट भी परंपरागत वस्त्रों का ही पार्ट है। कारपेट वीविंग की कला पर्शिया व सेंट्रल एशिया से कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा लाई गई। यहाँ पर सिल्क व ऊनी धागों से कारपेट वीविंग होती है। कारपेट में बहुत ही सुंदर व बारीक परंपरागत डिजाइंस बनाए जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। जम्मू व कश्मीर के परंपरागत परिधानों में पुरुष प्राय कुर्ता पजामा पूरी आस्तीन का ढीला चोगा व टोपी पहनते हैं। कश्मीरी महिलाओं द्वारा सलवार कुर्ता व फिरन पहनी जाती है। फिरन कुर्ते नुमा लंबी ढीली बाहों युक्त होता है, इसमें कशीदा किया हुआ होता है। कमर पर डोरी बांधी जाती है, सिर पर स्कार्फ बांधा जाता है जिसे तरंग कहते हैं। इस स्लाइड में जम्मू व कश्मीर के परंपरागत पहनावे को दिखाया गया है।